हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल सो अगेन मैं आपके साथ हूँ विद लेक्चर नंबर टेन एंड वी विल सी हाउ टू क्रिएट आर एच एल एट इंस्टेंस यानी कि ए डब्ल्यू एस क्लाउड में आपको अगर एक आर एच एल एट का मशीन आपको क्रिएट करना है तो आप क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं राइट लेक्चर नंबर नाइन में मैंने आपके सामने बताया था कि ए डब्ल्यू एस के अकाउंट को आपको अगर मैनेज करना है तो एक सपोर्ट केस ओपन करना आपका अकाउंट में कितने अवेलेबिलिटी जोन हैं, रीजन का मतलब क्या होता है ये सारी चीजें अगर आपको चेक करना है तो प्राइमरली आप एडब्ल्यू की किसी भी सर्विस को क्रिएट करना चाहते हैं इधर इट्स इंस्टेंस और आपका डेटा बेस लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग ग्रुप प्राइमरली आपके पास एक रीजन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से रीजन में आप उस सर्विस को स्पिन करना चाहते हैं राइट right? इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आर एच एल एट का एक मशीन एक सर्वर अगर आपको एडब्ल्यू एस क्लाउड में क्रिएट करना पड़े और फिर बाद में उसको एक्सेस करना तो कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं राइट तो सर्वर लॉन्च करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विच सर्विस इज रेस्पॉन्सिबल इन एडब्ल्यू एस क्लाउड राइट तो अगर आपको ए एस क्लाउड में वर्चुअल सर्वर्स की अगर आपको जरूरत हो अब ये मशीन सेंटोस का हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का हो सकता है ओवंतु हो सकता है डेवियन हो सकता है फेडोरा हो सकता है ठीक है बट सर्विस जो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट द इंस्टेंसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है सर्विस का नाम आपका है ई सी टू एंड इट स्टैंड फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड ठीक है तो सर्विस का हमें बिल्कुल आइडिया क्लियर है कि ईसी टू सर्विस के अंदर जाके हमें एक सर्वर क्रिएट करना होगा आर एच एल एट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ राइट right? दूसरा जो प्राइमरली रिक्वायरमेंट होता है कि कौन से रीजन में हम उस सर्वर को क्रिएट करें तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है कि मैंने जो रीजन अपने लिए सिलेक्ट किया है आई विल क्रिएट माई सर्वर इन कैनेडा रीजन राइट एंड कैनेडा का जो आपका रीजन का जो कोड है दैट इज सी एन सेंट्रल वन बट सर्वर को भी स्पिन करने के लिए हमारे पास एक एजेड का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सर्वर को आप कौन से एजेड में स्पिन करना चाहते हैं राइट right? क्योंकि कनाडा में जाके अगर आप चेक करेंगे तो वी हैव थ्री डिफरेंट एवलेबिलिटी जोन बट सर्वर को क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन विच अवेलेबिलिटी जोन आई वॉन्ट टू जस्ट क्रिएट माई सर्वर राइट तो मैं आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो वहां पे हम अपना मैनुअली जाके चूज कर सकते हैं कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में सर्वर को स्पिन करना है ठीक है रिक्वायरमेंट्स टू लॉन्च ईसी टू इंस्टेंस यानी कि सर्वर को इट लॉन्च करने के लिए ए में कुछ सब की इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए ई तो आपका एक पेरेंट सर्विस है बट सर्वर को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेस की हमें ऑल टूगेदर जरूरत होता है जैसे कि ए ने विद इन एम आपको मिनिमल ऑपरेटिंग ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा रखे हैं मार्केट प्लेस के थ्रू ए का मतलब होता है एमेजोन मशीन इमेज यानी कि आपको एक प्री बूटेबल इमेज अगर एडब्ल्यू क्लाउड में चाहिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का तो रेडी टू यूज ओएस का एक टेम्पलेट ए ने विदिन ए मार्केटप्लेस एस मार्केट प्लेस जहां पे हर एक ओएस के टेम्पलेट उन्होंने स्टोर कर रखे हैं एज अ एम आई राइट दूसरा जो रिसोर्स आपको जरूरत होगा ओएस को चलाने के लिए जो वर्चुअल हार्डवेयर का टेम्पलेट आपको चाहिए जिस चीज को आप हार्डवेयर का फ्लेवर भी बोल सकते हैं यानी कि वर्चुअल कॉन्फिग्रेशन वी रैम वी सीपी वी निक राइट right? नेटवर्क कौन अवेलेबल कराएगा रैम कौन अवेलेबल कराएगा सीपीयू कौन अवेलेबल कराएगा तो उस रिसोर्स को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इंस्टेंस का टाइप राइट सो वी हैव द एन नंबर ऑफ इंस्टेंस टाइप हमारे एप्लीकेशन को कितना सीपीयू रैम और नेटवर्क का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ए क्लाउड में एन नंबर ऑफ टाइप के इंस्टेंस टाइप आपके अवेलेबल हैं सेम ऑर्डर में एक वर्चुअल डिस्क हमें ओएस इंस्टॉलेशन के लिए जरूरत है तो ओएस इंस्टॉलेशन या किसी भी टाइप का डेटा आपको यहाँ पे रखना है जिस चीज को आप ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क बोलते हैं और फिर फर्दर फर्दर उस हार्ड डिस्क में आप लोग पार्टीशनिंग करते हैं तो इस चीज को हम लोग टेक्निकली एडब्ल्यू क्लाउड में ईवीएस वॉल्यूम बोलते हैं EBS स्टैंड फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज राइट तो एक वर्चुअल डिस्क आपको सर्वर के लिए चाहिए किसी भी साइज का आप डिस्क अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं फोर्थ जो यहाँ पर रिसोर्स आपका है कि who will provide the network availability? Because AWS ने सीधा सा बोला है कि आप जिस भी सर्विस को कम्युनिकेट करना चाहते हैं वी हैव ओनली सिंगल वे टू कम्युनिकेट माई सर्विस ओवर द इंटरनेट तो ओवर द इंटरनेट हम जब अपने सर्वर को कनेक्ट करेंगे तो सर्वर के लिए एक नेटवर्क की अवेलेबिलिटी करा के देना और सर्वर को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कराना तो यहाँ पे ईसी टू सर्विस का जो नेटवर्किंग लेयर का सर्विस है दैट इज बीपीसी ये चीज आपको ध्यान रखना है बीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड तो बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस ने हर एक रीजन में जाके आप चेक करोगे तो एक नेटवर्क आपको ऑलरेडी बना के दे रखा है जिसका रेंज आपको दिखेगा जीरो डॉट जीरो स्लैसिक्सटीन किसी भी रीजन में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं इट्स द डिफॉल्ट नेटवर्क और बीपीसी क्रिएटेड और प्रोवाइडेड बाई एडब्ल्यू राइट यानी कि कैनेडा की मैं आपसे बात करता हूं तो वी हैव द थ्री डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन तो आपके इस बीपीसी में यू विल गेट द थ्री डिफरेंट सबनेट्स फॉर ईच अवेलेबिलिटी जोन अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बीपीसी का नेटवर्क का सबनेट्स का मतलब क्या है तो नेक्स्ट जो लेक्चर में अपना स्टार्ट करूंगा दैट विल बी फॉर द बीपीसी सर्विस और वहां पे मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कस्टम बीपीसी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं सबनेट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो अभी एज अग्नर हम लोग बस इस वाले प्रैक्टिकल में ये आइडिया लेने वाले हैं कि एडब्ल्यू एस ने जो हमको डिफॉल्ट रिसोर्सेज सर्विसेज जो अवेलेबल करा रखे हैं उनको यूज करके मैं अपने सर्विस को कैसे प्रोविजन कर सकता हूँ तो सर्विस जो हमारा यहाँ पे है ना एक इंस्टेंस हमको चाहिए राइट right? और पांचवा जो रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है दैट इज सिक्योरिटी ग्रोथ सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे एक फायरबॉल का, का काम कर रहा है वर्चुअल फायरबॉल और आप इसको सीधा सा समझ सकते हैं विच प्रोटोकॉल ट्रैफिक यू जस्ट वांट टू अलाउ फॉर योर सर्वर दैट वी कैन डिफाइन इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स राइट सो इट्स अ सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ फायर प्रोवाइडेड बाई ए और लास्ट जो रिसोर्स आपका है दैट इज की पेयर यानी कि एडब्ल्यू में आपके ओ को जब आप लॉग इन करते हैं तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉग इन करने के लिए बायस एच और टेल नेट एडब्ल्यू एस ने हमारे लिए बाई डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट करके दे रखा है डिफॉल्ट यूजर जिसको आप बोल सकते हैं टू कनेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपके इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए बट एक चीज हमें याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एडब्ल्यू क्लाउड में बाई डिफॉल्ट जो ए एम आपको दे रहा है प्री बूटेबल इमेज आप जिसको बोल रहे हैं उस इमेज को आप प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आपको की बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा ठीक है तो दो की पेयर हमको यहाँ पे मिलेंगे वन वन विल विल बी बी द द प्राइवेट एंड पब्लिक पब्लिक जो की होता है वो हमेशा एडब्ल्यू के साइड या फिर सर्वर साइड स्टोर होता है प्राइवेट की हम अपने लोकल पीसी में जिस पीसी से हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अपने सर्वर को वहां पे हम जनरली रखते हैं अपने पास सिक्योरली राइट इफ यू हैव डिलीटेड द फाइल जो प्राइवेट की आपने डाउनलोड किया है तो मेक श्योर यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट योर सर्वर राइट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की मैं आपसे बात करता हूँ वट आर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट योर इी टू इंस्टेंस तो दो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेने हैं सिंपल पुटी एंड पुटी जैन ठीक है तो सीधा सा है हम इस प्रैक्टिकल को जो करने वाले हैं अभी एक सर्वर हमें लॉन्च करना है तो हर एक सर्वर के लिए ए बाय डिफॉल्ट आपको एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी पी देखे चलता है तो ओवर द इंटरनेट जब हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं तो वी जनरली यूज द पब्लिक आईपी और विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं वी हैव द मल्टीपल सर्वर इन ए क्लाउड और उन सर्वर्स को आपस में आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं इन दैट केस वी जनरली यूज द प्राइवेट आईपी लेट्स प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल पार्ट हाउ वी कैन जस्ट क्रिएट दर एच एल कि उसको पहले AWS का जो अकाउंट आपने साइन अप किया है वो लॉग कर लेना है और वी हैव डिसाइडेड टू क्रिएट माई सर्वर इन कैनेडा रीजन तो मेक श्योर sure आपको सबसे पहले टॉप में ये चेक कर लेना है कि इन विच पर्टिकुलर रीजन यू आर वर्किंग राइट नाउ राइट लेट सपोज अगर बाय डिफॉल्ट आप किसी भी दूसरे AWS के रीजन में इन करते हैं तो आपको पहले region अपना switch करके, respective region आप अपना करके जिसमें आप करना चाहते हैं वहां पे आप स्विच कर लें तो आई एम जस्ट स्विचिंग माय रीजन टू कनाडा एंड कनाडा का जो रीजन कोड आपको दिख रहा है that is

आपको कोई मैनुअल ओएस का इंस्टॉलेशन नहीं करना है, है, आपको करना है और सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे बोल रहा है कि इंस्टेंस का टाइप आपको क्या चाहिए तो आर एच एल एट मतलब लाइन एक्स मशीन को चलाने के लिए एक इंस्टेंस का टाइप आपको बता रखा है टी टू डॉट माइक्रो इट्स अ काइंड ऑफ मिनिमल हार्डवेयर टेम्पलेट जिसमें कि आपको वन वर्चुअल सीपीयू वन जीबी मेमोरी और एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको एनआईसी मिलेगा राइट right? तो आप चाहे तो कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं जो आपको डिमांड है आप चाहे तो दो जीबी रैम के साथ बना सकते हैं आपने बोला कि आई विल टेक टी टू डॉट मीडियम एंड इन टी टू डॉट मीडियम वी विल गेट टू वर्चुअल सीपी फोर जी बी रैम इट्स अप टू यू की कौन सा टाइप आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं flavor aap so much like if we have the multiple hardware flavors to spin up my instance right so i am just taking the t2.micro to avoid any extra charge in my account because it comes under the free tier that's why i'm just taking the t2.micro next so we have the total seven steps to create my instance right and we have completed choose ami and choose instance type now we we on the step number configure instance right

तो यू कैन डू वन थिंग जस्ट राइट क्लिक ऑन द टैब एंड ओपन द डुप्लीकेट टैब सेम रीजन में जहां पे आप अपना सर्वर क्रिएट कर रहे हैं जस्ट सर्च फॉर द बीपीसी सर्विस सो बीपीसी जस्ट अ नेटवर्क सर्विस इन डब्ल्यू एस क्लाउड अगर आपको अपने सर्वर्स के लिए आईपी पी राउटिंग टेबल्स फायर आपको मैनेज करने हैं तो सर्विस जो यहाँ रेस्पॉन्सिबल है दैट इज बीपीसी तो आपको बता रहा है कि ऑलरेडी एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएटेड है विद विदिसी आर ब्लॉक यानी कि मेरे इंस्टेंस को जो आईपी मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम सेवेंटी टू और मैंने आपको बताया था कि कैनेडा में अगर तीन अवेलेबिलिटी जोन है तो इस वाले नेटवर्क में बाई डिफॉल्ट यू विल गेट द द्री सबनेट एंड तीनों सबनेट का आई डी आपको रिसोर्स आई डी यहां पे दिख रहा है सी आई डी आर ब्लॉक आपको दिख रहा है एंड तीनों ही सबनेट आपके अलग अलग एजेड में भी आपको दिखेंगे ठीक है यानी कि यही ऑर्डर एडब्ल्यू ने बाय डिफॉल्ट जिस भी रीजन में जाके आप चेक करते हैं यू विल गेट द डिफॉल्ट बीपीसी एंड इन साइड द पर्टिकुलर रीजन इफ यू हैव द टू अबलेबिलिटी जो दैट गेट द टू सबनेट्स बाय डिफॉल्ट राइट यू कैन चेक सेम थिंग इन द अदर एडब्ल्यू एस रीजन ऑल्सो बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू यू कैन चेक इट राइट तो आई है सबनेट इन विच पर्टिकुलर सबनेट यू वो क्रिएट योर सर्वर तो मैंने आपसे बोला था कि वी नीड टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन सबनेट इफ आई एम जस्ट क्रिएटिंग द इंस्टेंस फ्रॉम विच पर्टिकुलर सबनेट माई इंस्टेंस विल गेट द आई पी अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लिया नो no प्रस तो आप समझ जाए कि आपका एडब्ल्यू एस तीनों ही सबनेट में से मतलब एक सबनेट आपका वन ए में है एक वन बी में है एक वन डी में है तो किसी भी एजेड में आपके सर्वर को स्पिन करके दे देगा अगर आपने कोई चॉइस यहाँ पे नहीं लिया तो बट एक्सप्लीसिटली आप ये बता सकते हैं कि मेरा जो सर्वर है इस वाले सबनेट का पार्ट होना चाहिए एंड शुड बी प्रोविजनड विद CA-CENTRAL-1AZ तो एजेड हमने एक्सप्लीसिटली यहाँ पे बता दिया कि CA-CENTRAL-1A में ही मेरा सर्वर बनना चाहिए नाउ एडब्ल्यूएस इज आस्किंग टू यू कि आप पब्लिक आईपी अपने सर्वर पर लेना चाहते हैं कि नहीं तो बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक पब्लिक आईपी दे पब्लिक आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है बट मेक श्योर कि आपने अगर पब्लिक आईपी यहाँ पर डिसेबल किया तो आप अपने सर्वर को बाय डिफॉल्ट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बाकी का ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एवरी टाइम हमें पब्लिक आईपी लेना ही है

बाई डिफॉल्ट आपको एक रूट वॉल्यूम यानी कि पेरेंट पार्टीशन आपको मिलेगा एंड यू विल गेट दिन जी बी ऑफ स्पेस अगर आपको लगता है कि रूट वॉल्यूम या फिर रूट पार्टीशन जो होगा उसमें दस जीबी इनफ है तो आप इसको सेम भी रख सकते हैं बाकी का आपको इंक्रीज करना है तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे पास कर सकते हैं जो आपको लेना है राइट सो आई एम जस्ट गिविंग द डेमो बिकॉज वी नीड टू टेक द फील विद्लेटफॉर्म की एक्टलीस क्लाउड मेंस हमको बनाना पड़े तो हम कैसे बना सकते हैं बाकी का आगे के लेक्चर में इन सारे ऑप्शन में डिस्क्राइब करूंगा इन सब का एक्सैक्टली exactly मीनिंग क्या होता है राइट सो बी विद मी एंड आप यहाँ पे नेम के साथ कोई भी लॉजिकल नेम आप कंसोल पे जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं इंस्टेंस का सो आई एम गिविंग द नेम लाइक लिनेक्स मशीन राइट नेम नेक्स्ट आपसे अभी पूछ रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप आप क्या लेना चाहते हैं सर्वर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे सिंपल है जो पहले से एक डिफॉल्ट भी आपको क्रिएटेड मिलता है अगर आप इसके साथ सर्वर लॉन्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं बाकी का आपको अगर एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है सो आई एम जस्ट गिविंग द नेम लीनेक्स आइफन मशीन राइट एंड डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पास कर सकते हैं कोई भी दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप फॉर माई फॉर माई लिनक्स सर्वर्स तो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ग्रुप का एग्जेक्टली मतलब होता है इट्स अ वर्चुअल फायर एंड दिस विल डिफाइन विच पर्टिकुलर ट्रैफिक और प्रोटोकॉल ट्रैफिक यू वांट टू जस्ट अलाउ फॉर योर सर्वर जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजन बिकॉज वी आर वर्किंग इन द पब्लिक क्लाउड्स एंड ए डब्ल्यू एस जस्ट प्रोवाइडिंग दिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप एज एल तो एस एस एच का जो ट्रैफिक है बाई डिफॉल्ट अलाव करके आपको दिया है आप यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको बोल रहा है कि कस्टम में मतलब आप कोई कोई भी सी आई डी आर ब्लॉक ऐसे आप एंटर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरा ऑन प्रोमाइसिस नेटवर्क इस बारे सी आई डी आर के साथ चलता है तो आप ये एंटर कर सकते हैं अगर आपने एनी किया एनी वेयर का और कस्टम में जो जीरो आ रहा था दोनों का मीनिंग सेम होता है ओपन फॉर द वर्ल्ड इसका मतलब यह है कोई भी बंदा जिसके पास आपके सर्वर का लॉग इन पासवर्ड होगा ही और सी कनेक्ट योर सर्वर ओवर द इंटरनेट दट इज द मीनिंग ऑफ एनी एंड कस्टम में जो जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो यहाँ पे लिखा आ रहा था राइट और आपको अगर ये श्योरिटी चाहिए कि जिस लैपटॉप से मैं कनेक्टेड हूँ उसी आईपी से ये सर्वर ओनली लॉग इन हो तो आप अपना आईपी गूगल पे जाके आराम से यहाँ चेक कर सकते हैं वट इज माई आई पी सो यू विल गेट द सेम आई पी एड्रेस जो आपको अभी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे सो इट्स माई करंट आई पी ठीक है तो प्रैक्टिकल के लिए आप एक काम कर लें इस रूल को अभी डिलीट करके एक नया रूल यहाँ पे ऐड करें और इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें ऑल ट्रैफिक राइट और जहां कस्टम लिखा आ रहा है इसको आप सिंपल एनी कर दें इतना चेंजेस आपको करने हैं मेक श्योर यू आर जस्ट टेकिंग द ऑप्शन क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप एंड इन द रूल आपको टाइप जो लेना है ऑल ट्रैफिक ऑल प्रोटोकॉल ऑल पोर्ट रेंज एंड अलाउ फ्रॉम एनी राइट जस्ट क्लिक ऑन दिस इज द समरी एंड यू आर गेटिंग द वार्निंग दैट यू हैव जस्ट इनेबल ऑल ट्रैफिक फॉर योर सर्वर सो मेक श्योर जस्ट इट्स अ वॉर्निंग एंड दिस इज द समरी पेज सेटिंग अपने सर्वर के लिए लिया है यू विल गेट दर एच एल एट ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन यू गेट वन वर्चुअल सीपी ऑफ रैम एंड नीचे भी आपके पास ऑप्शन है फायर बॉल में आपको बता रहा है की आपने कम्पलीट ट्रैफिक को अलाउ कर रखा है स्टोरेज आपको क्या मिलेगा एंड इंस्टेंस uh, की डिटेल्स में आपको क्या क्या एक एनआईसी मिलेगा बाई डिफॉल्ट आपको ईटीएच जीरो आई पी एड्रेस जो होगा बाई डी एस सी पी आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस सबनेट

यू हैव द टू टाइप ऑफ एलगोरिथम जस्ट फॉर द इनक्रिप्शन फॉर योर की पेयर कोई साइप चूज कर सकते हैं आई एम टेकिंग विद डिफॉल्ट आर एस एर नेम यहाँ पे आप की का दे सकते हैं पैम फाइल इन योर लोकल डायरेक्टरी राइट सो एक माइक की डॉट पैम के नाम से आपने की फाइल डाउनलोड कर लिया है ठीक है नाउ यू हैव द ऑप्शन टू क्लिक लॉन्च इंस्टेंसेस राइट ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अगर मैं इन स्टेप को आपको मैन्युअली डिस्क्राइब नहीं करता तो विद इन टू मिनट और सर्वर अवेलेबल राइट आई वॉज से थ्योरी पार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑन डिमांड सर्विस ऑन डिमांड रिसोर्स प्रोविजनिंग आपको मिलता है ठीक है तो इस सर्वर की आप डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो ए डब्ल्यू एस ने बाई डिफॉल्ट आपको एक पब्लिक आई पी दिया है एक प्राइवेट आईपी दिया है एक पब्लिक डीएनएस दिया है और एक प्राइवेट डीएनएस भी आपको अवेलेबल करा के दिया है ठीक है तो इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको ए डब्ल्यू एस में बाईड दो तरीके के डोमेन है जो आपको डिफॉल्ट एज अ होस्ट नेम मिलते हैं इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि ए का जो प्राइवेट डोमेन है उसका नाम क्या है सो so सिंपल आप आंसर कर सकते हैं इट्स कंप्यूट डॉट इंटरनल और सेम ऑर्डर में आपको अगर पब्लिक डोमेन का भी नाम बताना पड़े तो उसका जो डोमेन है AWS का पब्लिक ए डब्ल्यू एस डॉट कॉम ठीक है तो ये बाय डिफॉल्ट दो डोमेन को AWS आपको ऑलरेडी आपके सर्वर के साथ अवेलेबल करा के दे रहा है domain, .com, domain, राइट? अब यहां पे आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है जब भी आप एक इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो उसके साथ कुछ रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं विद इन योर सर्वर राइट एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा आपका एक की पेयर क्रिएट होता है राइट right? और एक उसका वॉल्यूम क्रिएट होता है वॉल्यूम के साथ आपका फिर एक एनआईसी वर्चुअल एनआईसी आप जिसको बोलते हैं चार रिसोर्सिस आपके क्रिएट होते हैं और चारों को आपको चेक करना है तो आप सिंपल यहाँ चेक कर सकते हैं जैसे आपका एक तो ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ राइट right? नेटवर्किंग में आप जाएंगे तो एक उसका वर्चुअल निक क्रिएट हुआ विद दिस रिसोर्स आईडी सेम ऑर्डर में आपको अगर की पेयर चेक करना है तो आपको बता रहा है कि ये वाला की पेयर आपने क्रिएट किया है की के नाम से एंड एक आपका स्टोरेज देखना है तो ये एक वॉल्यूम आपका क्रिएट हुआ है सेम सेम ऑर्डर में इन रिसोर्सेज को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं एक वॉल्यूम आपका यहाँ पे दिखना चाहिए आपको फॉर योर सर्वर जो आपने दस जीबी का क्रिएट किया है इट्स अ वर्चुअल डिस्क राइट की पेयर आपको चेक करना है तो एक की पेयर आपका ये क्रिएट हुआ है अगर आपको नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट करना है या चेक करना है कौन सा एनआईसी क्रिएट हुआ है मेरे सर्वर के लिए और सेम ऑर्डर में सिक्योरिटी ग्रुप भी आप चेक करना चाहते हैं तो एक लिनक्स मशीन के नाम से सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्रिएट हुआ है ठीक है तो ये सिंपल स्टेप्स मैंने आपको डिस्क्राइब करे कि एक इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं अब क्वेश्चन आता है कि इस इंस्टेंस को अगर आपने कनेक्ट करना है तो कैसे आप करोगे तो सबसे पहले बेस्ट तरीका होता है आप अपने सिस्टम में सी ओपन करके सबसे पहले इस सिस्टम को आप पिंग करो है ना अगर ये सक्सेसफुली पिंग होता है दैट मीन्स कि अब आप अपने इंस्टेंस से जो एडब्ल्यू क्लाउड में चल रहा है उस सिस्टम को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मैंने जो पिंग कमांड चलाया है वो यहाँ से चलाया है फॉर द पब्लिक आईपी पब्लिक आई पी ऑफ माई इंस्टेंस याद रखना है कभी भी प्राइवेट आई पी से आप ओवर द इंटरनेट सर्वर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं until unless आपके पास बीपीएन कनेक्शन नहीं है तो बीपीएन अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू नॉलेज की बेसिकली आप सर्वर को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ कि ओवर द इंटरनेट आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर का आपको बताया था कि एक पुटीजैन सॉफ्टवेयर को एडिशनली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और एक सॉफ्टवेयर आपको जरूरत पड़ेगा जिसको हम बोल रहे हैं पुट्टी तो पुट्टी तो आप जनरली यूज करते हैं इट्स सी एल आई आपका एक क्लाइंट है एस एस एच के लिए एस एस एच क्लाइंट आप इसको बोल सकते हैं बट पुट्टीजैन का भी यहाँ पे यूज केस है जो आपने पेम फाइल डाउनलोड किया है pem फाइल का एक्सटेंशन जो हमें चाहिए दैट शुड बी ppk के फाइल राइट एक्सटेंशन जो होना चाहिए उसका .ppk होना चाहिए क्योंकि पुटी सॉफ्टवेयर में एक लिमिटेशन है ये बाय डिफॉल्ट .pem वाले जो प्राइवेट की फाइल है उनको सपोर्ट नहीं करता है दैट्स व्हाई तो एडिशनली आपको करना क्या पड़ेगा सबसे पहले पुटी जन सॉफ्टवेयर ओपन करके आपने जो पेम फाइल जो डाउनलोड किया था ऑल फाइल्स आपको यहाँ पे करना है एंड आपने ये वाला पेम फाइल डाउनलोड किया था क्लिक ऑन ओके एंड यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन सेव प्राइवेट की और किसी भी फोल्डर में जाके आप अपने इस के एक्सटेंशन फाइल को मेक श्योर की इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है पुटी प्राइवेट की फाइल ये इसका नाम होना चाहिए राइट एंड आई एम जस्ट गिविंग द नेम माई सिक्योर कोई भी नेम आप ले सकते हैं जो आप चूज करना चाहते हैं राइट एंड इस सॉफ्टवेयर को आप अभी क्या कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं और जिस डायरेक्टरी में आपने अभी पीपी के फाइल सेव किया है ना तो आपके पास देखो दो फाइल है एक आपने अभी बनाया माई सिक्योर की एंड इसका जो एक्सटेंशन है वो है आपका पुट्टी प्राइवेट की ये चीज आपको ध्यान रखना है सेम ऑर्डर में आपके पास पेम फाइल भी है तो इन दोनों फाइल्स को आपने सिक्योर प्लेस पे रखना है बोथ द फाइल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर सर्वर राइट सो व्हाट आई एम डूइंग अब सर्वर आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ से सिंपल आप अपना पब्लिक जो आईपी है उसको कॉपी करो और पुट्टी सॉफ्टवेयर में जाके आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं तो प्लेन टेक्सट पासवर्ड का मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड नहीं है अगर आपको इस मशीन का डिफॉल्ट यूजर पता करना है जैसे लिनेक्स में रूट यूजर भी हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड होता है बट एडब्ल्यू ने डायरेक्ट रूट लॉग को डिसेबल कर रखा है क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि विच यूजर कैन आई यूज टू कनेक्ट माई सर्वर तो आप सिंपल देखो दो तरीके हैं आप इस पर कनेक्ट पे जाएंगे ना तो यहां पे भी पता चल जा जाता है चल जाएगा आपको कि कौन सा डिफॉल्ट यूजर इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिवली आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप गूगल पे जाके यहाँ टाइप कर सकते हैं डिफॉल्ट यूजर फॉर इसी टू इंस्टेंस राइट तो मल्टीपल आपको यहाँ पे एक तरीके से हेल्पफुल डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जैसे कि आप इस पहले वाले लिंक पे ही जाते हैं ठीक है यहाँ पे जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं कि AWS क्लाउड में जब भी मैं EC2 टू को क्रिएट करना चाहता हूँ और उनको फिर बाद में कनेक्ट मेरे को करना है तो कौन से डिफॉल्ट यूजर से मैं लॉग कर सकता हूँ तो आपको बता रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये उनके डिफॉल्ट यूजर्स हैं हमारा जो मशीन है वो आर एच एल एट का है वर्जन होंगे उनमें जो यूजर होगा ईसी टू आई यूजर होगा तो वी आर रनिंग तो हमारा जो डिफॉल्ट यूजर है मशीन होता तो उसमें डिफॉल्ट यूजर आपका होता है सेंटोअस का ठीक है तो मशीन क्रिएट करने के स्टेप्स बिल्कुल सेम है कोई सा भी मशीन आप क्रिएट कर सकते हैं चाहे आपका ये आर का हो सेंटो का हो एमेजोन लीनेक्स का हो वन हो आपका विंडोज मशीन हो स्टेप्स आर सेम राइट सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट अगेन में मैंने पब्लिक पे लिखा हुआ है और ऑथेंटिकेशन में जाके आपको बस ब्राउज करना है अपना पीपी के फाइल एक चीज आपको ध्यान रखना है यू हैव द टू फाइल्स एक पेम फाइल आपका है एक पीपी के है सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्राउज माय पी के एक्सटेंशन फाइल दोनों ही प्राइवेट हैं बट मैं पैम फाइल को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि में एक्सटेंशन आपका सपोर्टेड नहीं है जस्ट आपको क्लिक करना है ओपन पर ओपन बटन के बाद क्लिक ऑन एक्सेप्ट एंड यू हैव टू एंटर योर डिफॉल्ट यूजर ईसी हाइफन यूजर सो इट्स अ अक्स मशीन जैसा आप अपना खुद के पर्सनल सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल करते हैं सेम तरीके से आपको ये मशीन एडब्ल्यू ने आपको बना के दिया है बाय डिफॉल्ट जो यूजर मिला है उसको जेस एडब ने अवेलेबल करा रखे हैं यानी कि ये यूजर अगर रूट के अकाउंट में स्विच करना चाहता है तो बिना किसी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के आप सिंपल कमांड चला के सूडो स्विच हाईफन आप सिंपल क्या कर सकते हैं रूट के अकाउंट में स्विच कर सकते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बेसिक कमांड जैसे आपको ये चेक करना है कितने पार्टीशन से एस ने ऑलरेडी आपको बता रहा है कि दस जीबी का एक पार्टीशन बना है और वो माउंट हो रखा है स्लेस पर बाय डिफॉल्ट राइट आपको एल एस सीपीयू करके वर्चुअल सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो यू आर गेटिंग बाय डिफॉल्ट वन वर्चुअल सीपीयू राइट आपको मेमोरी चेक करना है तो आप आराम से मेमोरी चेक कर सकते हैं सिस्टम में कितना है कितने वर्चुअल डिस्क लगे हैं एफ डिस्क एल कमांड से या एल एस पी एल के कमांड चला के भी आप चेक कर सकते हैं राइट सो दीज आर द बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडेड बाय एडब्ल्यूएस अब इस सर्वर में आप आगे का ओ एस लेवल से कुछ भी स्टडी आप करना चाहते हैं कोई भी लिनक्स का कमांड चलाना चाहते हैं ऑल कमांड्स विल बी देयर बाय डिफॉल्ट राइट सो इस वाले लेक्चर में बस मैं अभी आपको इतना ही बताता हूं आपको बस एक चीज ध्यान रखना है जैसे ही आपने इंस्टेंस को क्रिएट किया है राइट right? तो इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद आपको इसको टर्मिनेट भी कर देना है ठीक है एक चीज आपको ध्यान रखना है आप सिंपल यहां इंस्टेंस स्टेट पे जाके यानी कि सर्वर को पहले आप यहाँ सेलेक्ट कर लो यू हैव द मल्टीपल ऑप्शंस स्टॉप स्टार्ट रिबूट हाइबरनेट यानी कि आप टेम्पररी स्टॉप भी कर सकते हैं अपने सर्वर को एंड अगेन स्टार्ट कर सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग में एज अ अगनर अगर आप प्रैक्टिस अपना कर रहे हैं तो मेक श्योर sure कि कुछ समय के लिए आप नया सर्वर क्रिएट करो अपनी प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस के बाद तुरंत उसको यहाँ से टर्मिनेट कर दो टर्मिनेट का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका अभी काम हो चुका है आपको अब ये सर्वर की डिमांड नहीं है आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का मतलब ही यहाँ पे टर्मिनेट होता है और एक चीज ध्यान रखनी है जैसे ही हमने सर्वर को टर्मिनेट किया वी विल नॉट बी एबल टू अगेन रन माय सर्वर इन आपको ध्यान रखना है सर्वर एक बार आपने टर्मिनेट किया तो AWS विल नॉट प्रोवाइड और विल नॉट प्रोवाइड यू गारंटी टू योर सर्वर टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि आप सर्वर को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें एक चीज पॉइंट याद रखना है जब हम सर्वर को टर्मिनेट करते हैं ना तो इनमें से आपके वॉल्यूम और एनआईसी ये दो रिसोर्स सर्वर के साथ डिलीट हो जाते हैं लेकिन सर्वर का जो सिक्योरिटी ग्रुप और की पेयर आपने बनाया था वो एज इट इज आपको मिलेगा यानी कि नेक्स्ट टाइम आप अगेन नया सर्वर बनाना चाहते हैं ना तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि नया की पेयर आपको नहीं बनाना है जैसे सेम ऑर्डर में आप एक सर्वर और बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल नेक्स्ट करके जब जाते हैं ना सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन ऑप्शन में आपको जो चूज करना है एन सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ पे आपने जो लास्ट टाइम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है सेम ऑर्डर में जब आप लॉन्च करेंगे ना तो आपको एग्जिस्टिंग की पेयर का ऑप्शन लेना है और यू हैव की ऑलरेडी क्रिएटेड कहने का मतलब मेरा यह है कि हम चाहें तो की पेयर भी अलग ले सकते हैं एवरी टाइम सिक्योरिटी ग्रुप भी अलग ले सकते हैं बट जस्ट फॉर द मैनेजमेंट रेदर देन क्रिएटिंग द मल्टीपल रिसोर्सेस वी कैन जस्ट मेक इट सेंट्रलाइज वी कैन टेक द सेम सिक्योरिटी ग्रुप एंड की पेयर फॉर एवरी सर्वर सो इस लेक्चर में मैंने बस आपको सिंपल एक डेमो दिया है कि एक इंस्टेंस आपको ए क्लाउड में अगर बनाना पड़े अपने प्रैक्टिस के लिए लिनक्स की प्रैक्टिस आपको करनी है फॉलो तो कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा कि एक विंडोज का मशीन आपको अगर जरूरत पड़े एडब्ल्यू क्लाउड में तो जो विंडोज के यूजर्स हैं उनके लिए वो प्रैक्टिकल आप फॉलो कर सकते हैं सेम स्टेप्स में होगा बट तरीका थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज दैट इज विंडोज एंड ये आपका है लेनेक्स ठीक है अगेन मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में दैट विल बी लेक्चर नंबर इलेवन ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग